जी, तो आपको जब इत्तला मिली, आपके वालिद साहब के इंतकाल की खबर मिली, तो आपको कैसा महसूस हुआ और टीम का कैसा सपोर्ट रहा आपको? पहले तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो चीज़ के डर जाना, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़, और मेंटली बहुत मैं डिप्रेशन था वो चीज़, और मैं घर पे भी बात किया था, वही बात बोल रहे थे कि डैड का जो ड्रीम था वही पूरा कर, और पूरा करके आ, और मेरी फियांसी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि वो मुझे बैक की और हमेशा वो मुझे मोटिवेट देते रही, तो बहुत बड़ा टीम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। इंडिया को बहुत प्राउड किया है, एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दैट यू हैव अ फियांसे एज वेल, सो यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड, टेल अस मोर अबाउट हर एज वेल नाउ। थैंक यू सो मच। ओके, घर आने के बाद मम्मी के साथ भी आपका बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ बड़े डीप बॉन्ड्स हैं, हाउ डिड शी रिसीव यू, क्या खिलाया आपको आज? हैदराबादी बिरयानी खिलाई? नहीं, जैसा मैं घर इंटरव्यू आया मॉम रोने लग गई थी, बट मैं स्ट्रांग बन के उनको पॉजिटिव दिया, तो घर पे चिकन बिरयानी ऐसा कुछ नहीं था कि नहारी पाए खाए, बहुत दिन के बाद घर का खाना खाने को मिला, अच्छा लगा घर का खाना खाकर। पांचवा विकेट लिए थे आप, तो ऊपर देखे थे पिताजी का याद करे थे सीधा फिफ्थ विकेट ऑल, उसके उनके लिए डेडिकेट करेंगे क्या? हाँ, मैं जो कोई सी भी विकेट ले रहा था मैं डैड को डेडिकेट कर रहा था हर विकेट, मेरा और महक अग्रवाल का जो सेलिब्रेशन था वही था कि सेलिब्रेशन डैड को डेडिकेट करे वो सेलिब्रेशन हर विकेट। आप कभी सोचे थे क्या सीरीज शुरू होने से पहले कि पांच विकेट लेंगे आप, इंडिया के मेन बॉलर होंगे ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, बट टीम में इतने इंजर्ड होने से मतलब हर कोई मुझ पे ट्रस्ट कर रहा था कि ये अच्छा कर रहा है, तो तू ही है अभी लीडिंग बॉलर है अभी, तो मेरे ऊपर प्रेशर था, बट चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि ये चीज़ करना, बट मेरे को चैलेंज करना बहुत पसंद था, तो मैं वही चीज़ पे मेरा काम था कि बस प्रेशर बिल्ड करे बैट्समैन के लिए और एक ही जगह एरियाज पे हिट करते जाए, कि मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर था कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूँ, तो वही बेटर ऑप्शन था टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। स्मिथ का विकेट बहुत क्रूशियल था क्या मैच में? हाँ, स्मिथ का विकेट क्यों बोले तो मेरे हाथ से कैच भी छूट गई थी वो, तो मेरे लिए भी ऊपर प्रेशर था वो कैच छूटने पर, फिर जैसा मैं बॉलिंग पे आया और कॉटन बॉल में भी ग्रीन की कैच छूटी, तो ज़्यादा प्रेशर था, फिर उसके बाद स्मिथ की विकेट मिलने से हमारी टीम के लिए भी हेल्पफुल हुआ और मेरे लिए भी थोड़ा प्रेशर रिलैक्स हुआ। अभी आपका करियर अभी कैसे देखेंगे अब आगे? अभी क्या, अभी तो रिलैक्स नहीं होना है मुझे, और मैं इंडिया के लिए खेलते जाऊँ और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहूँ, यही है मेरा ड्रीम कि ज़्यादा रिलैक्स ना हो, ये सिर्फ परफॉर्मेंस की तरह मैं बस सोचूँ कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस गया, बट यहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँ मेरे परफॉर्मेंस को। जैसे आपने वहाँ का जो क्राउड था उनका जो आपने सुना उसको आपने हैंडल किया, क्या उससे ज्यादा यहाँ पे मीडिया में आके आपको वो रियलिटी चेक दिख रहा है कि आप कितने बड़े हीरो हो गए हो और इंडिया में काफी सारे लोगों ने आपको मॉब की बॉब भी किया होगा? ये तो है कि वहाँ के ऑस्ट्रेलिया क्राउड भी मतलब अब्यूज करने लगे, तो मतलब वो चीज़ मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाई वो चीज़ के मेरे, और मैं वो चीज़ को लेके मैं गेम पे अफेक्ट होने नहीं दिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इट्स ओके, ये तो मीडिया चलता है। सो सिराज, उसी का सब क्वेश्चन, आप समझते हैं कि जस्टिस हुआ था उस मामले में जो अनरूली बिहेवियर था? सिराज हियर, आपके साथ जो अनरूली बिहेवियर हुआ था उसमें जस्टिस हुआ बोल के आप सोचते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो अभी जैसे ऑडियंस है अभी वहाँ पर, अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं जस्टिस मिलेगा या नहीं। जब मेरा जो काम था मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं अपने कैप्टन को बोला कि ऐसा अब्यूज़ हो रहा है मेरे लिए, तो जैसा ने अज्जू भाई ने भी बोला कि क्या एम्पायर बोल रहा था आप लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं, तो रहने भाई ने बोला कि नहीं हम लोग गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से रेस्पेक्ट करते हैं क्रिकेट को, हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग ही उन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के बोल। Hi Siraj, hello. This side. Siraj. I'm Sartaj from iNews. So all these serious questions apart, let me ask a funny question. So you have taken 13 wickets, right? Whose wicket was your favorite and why? My favorite wicket is Manas Labuschagne. Favorite wicket was Manas Labuschagne ki, क्योंकि जो वो सिचुएशन पे विकेट होना इम्पोर्टेंट था और मैं वो सिचुएशन पे ओवर में दो विकेट लिया और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे मानस रघुशन की। सिराज इधर, सिराज एक आपका जो
प्रीवियस ये टेस्ट सीरीज से पहले 3 वनडे और जो T20 का जो लिमिटेड ओवर्स का जो था वो उतना ग्रेट नहीं रहा आपका परफॉर्मेंस अदरवाइज।